राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुरला के हेल्थ केयर के छात्रों ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑन जॉब ट्रेनिंग के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान छात्रों ने प्राथमिक उपचार, ड्रेसिंग, कटिंग और ब्लड सैंपल लेने इत्यादि के बारे में बारीकियां सीखी। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने बीते 3 दिन चली इस फर्स्ट एड को लेकर ट्रेनिंग के दौरान आपातकाल स्थिति में उपचार देने और अस्पताल में मौजूद मेडिकल उपकरण संचालन करने के बारे में जानकारियां ली हैं। इन छात्राओं ने बताया कि इस दौरान उन्होंने ड्रेसिंग करने, बायोमेडिकल वेस्ट को निपटाने, स्टिचिंग करने, बेड मेकिंग, आईवी सेट का प्रयोग करने वगैरह के बारे में जानकारी ली है। स्कूल की शिक्षिका अनु ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन के सहयोग से हेल्थ केयर के छात्र छात्राओं ने यहां 3 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड किया है और काफी कुछ सीखा है। मेरा नाम शुभन है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरला की हेल्थ केयर की स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पे 3 दिन की ओजीटी के लिए आए थे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, जो आज समाप्त हो चुकी है। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हमने सीखा, ड्रेसिंग कैसे करते हैं, बेड मेकिंग कैसे करते हैं, कि मॉनिटर कैसे चलाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। मेरा नाम रिया चौहान है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरला की स्टूडेंट हूँ। मैं एक हेल्थ केयर स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पर 3 दिन की ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो आज पूरी हो गई है। जैसे बेड मेकिंग कैसे करते हैं, पेशेंट साथ डील कैसे करते हैं, मेडिकल रिकॉल को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, फर्स्ट एड के बारे में, ड्रेसिंग टोली में क्या क्या होता है, ड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, ड्रेसिंग कैसे करते हैं, आईवी सेट का यूज़ कैसे करते हैं, स्विचर कटिंग और यहाँ पे जितने भी बेसिक आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हमको बहुत नॉलेज मिली है। मैं जीएसएस सुल्ला स्कूल से हेल्थ केयर की बेटी हूँ अनु, और ये मेरे हेल्थ केयर के स्टूडेंट हैं जो मेरे पास जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और होम हेल्थ एड का कोर्स कर रहे हैं। और ये यहाँ आ जाते हैं, इनका 3 दिन का भ्रमण आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये सीखना है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें पूरे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर और मेडिकल हॉस्पिटल के स्टाफ के सहयोग से हमने आज फर्स्ट एड, आपातकालीन स्थिति में कैसे मदद कर सकते हैं और अपने लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं उनके बारे में उन्होंने सीखा है।